क्या काम कर रही है सरकार ने काम किया है उससे हम खुश हैं। बाकी और जितनी भी राजनीति पार्टियां थी उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करा, मोदी जी ने इतने काम कर दिए, मोदी जी ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। हम तो चाहते हैं 10 साल तक मोदी इस सीट पर बैठा रहे और यही प्रधानमंत्री रहे। जितना उन्होंने काम कर दिया है कोई कांग्रेस कोई भी गठबंधन होता है इतना काम नहीं कर सकती। सांसद का काम कैसा लग रहा है? सांसद का काम सही है, बस सड़क नहीं बनी जहर वाली। बैंकों में है ना तो पैसे डाल देते हैं वो लड़कियों के लिए है ना, फ्री सिलेंडर दिया उन्होंने तो उनकी सरकार में इस सरकार के अलावा किसी और में इतना फायदा नहीं था, तो इसलिए ये मोदी सरकार ही चाहती है जनता। बहुत लड़कियों के लिए बहुत फायदा किया है, फ्री मशीन सिलाई मशीन दी है। अच्छा। उज्ज्वला कनेक्शन दिया है और बहुत है सेफ्टी है। मोदी की सरकार में ही हुआ है ये जो जो भी कुछ विकास हुआ है और गरीब अब उभर के आया है और पहले सरकार में गरीबों को कोई ऐसा नहीं मानता मिलती थी जितनी अब मिली है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता को रुझाने के लिए तमाम प्रयास कर रही हैं और जितने भी उम्मीदवार हैं वो भी अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। हम लोग इस वक्त मेरठ में मौजूद हैं जहाँ पर हम लोग आम जनता से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार, और यहाँ से बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल जी को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही हालांकि सपा अपने काफ़ी नाम बदल चुकी है मेरठ से, क्योंकि अरुण गोविल जी को यहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, क्या शायद इसलिए बदल चुकी है सपा। देखिए जनता से हम लोग बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे कि अब की बार एक तो वो किसकी सरकार देख रही है और दूसरी बात कि सांसद के बारे में भी थोड़ी बातचीत करेंगे कि 5 सालों में सांसद जी ने क्या काम किया है और मोदी सरकार ने उनके लिए क्या काम किया है, जनता के हित में काम किया भी है या नहीं किया है। क्या नाम है सर आपका, क्या करते हैं? मेरा नाम काले सोनकर है। हाँ, क्या करते हैं? सब्जी का काम है, फ्रूट का काम है मेरा। क्या लग रहा है आपकी बार सरकार तो मेरठ के अंदर तो बीजेपी की ही बनेगी? हाँ जी बनेगी। क्या काम कर रही है सर बीजेपी? काम तो बहुत कुछ करा है जी मेरठ शहर में, क्या पूरे देश में ही काम चल रहा है। अच्छे हाईवे बन गए, अच्छी शिक्षा मिल रही है बच्चों को, अच्छे काम धंधे हैं, सब चीज बढ़िया है। राजेंद्र अग्रवाल जी ने कैसा काम किया 5 साल? उन्होंने भी बढ़िया करा है जी। हाँ जी। अब उम्मीदवार आपको पता है ना कौन है? अरुण गोविल जी। अरुण गोविल जी हैं, अभी आए हुए थे, मिले थे हम उनसे, यहाँ सदर हनुमान चौक पे आए हुए थे, सिटी भी करे उनके यहाँ आए हुए थे वो, जब मिले थे हम। हाँ। 6 तारीख की बात है जी। तो क्या लग रहा है वो जीतेंगे आपकी बार? बिल्कुल जीतेंगे जी। हाँ जी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे आपकी बार? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे जी। कोई टक्कर में है उनकी या नहीं है? फिलहाल तो कोई नहीं है जी। राहुल गांधी? कोई नहीं है, बनेंगे सरकार मोदी की ही बनेगी, सरकार बनेगी। देखिए कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत। क्या करते हैं आप, क्या नाम है आप? मेरा नाम बदल है। क्या नाम, क्या करते हैं? सब्जी की दुकान पे काम करता हूँ। क्या लग रहा है आपकी बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। हाँ। अब भी बनेंगे और आने वाले टाइम में भी बनेंगे। अच्छा। हाँ जी। क्या काम कर रही है सरकार? ने काम किया है उससे हम खुश हैं। बाकी और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करा, मोदी जी ने इतने काम कर दिए, मोदी जी ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जो विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि मोदी सरकार ही मोदी सरकार बनेगी। योगी जी के बारे में क्या ख्याल है? योगी जी हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, सबकी बात सुनते हैं और उनके साथ न्याय करते हैं। कोई टक्कर में है मोदी जी के या नहीं है? मोदी जी के आगे कोई टिकने वाला नहीं है, चाहे कितनी विपक्ष पार्टियां महागठबंधन कर ले, मोदी जी के आगे कोई नहीं टिकेगा। राहुल गांधी? राहुल गांधी उनके कुछ नहीं है, वो बेकार में हल्ला मचाते फिर रहे हैं पूरे देश में और यहाँ की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि सपा यहाँ से जीत पाएगी? बिल्कुल जी, सपा? हाँ। सपा यहाँ से कभी नहीं जीतने की, क्योंकि कैंट की सीट है हमेशा बीजेपी का राज रहा है। बीजेपी का सिर्फ राज ही रहा है या फिर काम भी हुआ? अच्छा, काम भी हुआ है, विकास भी हुआ है। अच्छा। हाँ जी। सपा नहीं जीत पाएगी? नहीं जी। चलिए ठीक है, इधर चलते हैं। हाँ हाँ, हाँ जी, क्या करते हैं सर? मैडम मैं सब्जी की दुकान पे काम करता हूँ और उसके बाद
शाम को अपनी दोबारा सब्जी फ्रेश करता हूँ। फ्रेश कैसे करते हैं ये बताइए? पानी डाल के फ्रेश करता हूँ। हाँ, हमें लगा कि सीधा जहाँ से उगती है वहाँ से दोबारा फ्रेश लेकर आते हैं। माँ तो रखी हुई सब्जी भी आती है शाम को भी, रात को चल के सुबह तक हमारे यहाँ आते रहती है। अच्छा ये बताइए, लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हम तो चाहते हैं 10 साल तक मोदी इस सीट पर बैठा रहे और यही प्रधानमंत्री रहा है। जितना उन्होंने काम कर दिया है, कोई कांग्रेस कोई भी गठबंधन होता है इतना काम नहीं कर सकती। अच्छा। आने वाले टाइम में ये बहुत तरक्की देगा। अच्छा, अच्छा काम कर रही है मतलब बीजेपी? हाँ, बीजेपी 5 साल में क्या काम करा है जनता के लिए? पहले जो सड़क थी टूटी फूटी, अब हाईवे बन गया। हाँ। जब आप 6 घंटे में थी, मैं 1.5 घंटे में देहरादून पहुँच सकता हूँ। उसके बाद में जितने भी कांग्रेस ने नहीं कर पाई उससे पहले मोदी में आने वाली संख्या में बहुत पुल तरक्की कर चुकी। अच्छा। मेरिट में उससे बढ़िया प्रधानमंत्री कोई नहीं है। हाँ, योगी जी के बारे में क्या ख्याल? योगी जी आने वाले अब भी बैठे हैं, जब भी बैठे हैं, योगी जी ने सबसे बढ़िया काम करा। मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे, जरूर आएंगे। मायावती बन सकती है आपकी बार प्रधानमंत्री? कोई कोशिश नहीं है, नहीं नहीं। अखिलेश यादव चांस हो सकता है एक बार को, कह तो सकता नहीं। अच्छा, हाँ चांस हो सकता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्या हुआ? अरे आप सुंदर लग रहे हैं इसलिए ले रहे हैं। हम काले आदमी क्या सुंदर लगेंगे? अरे काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव में कौन जीतेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी बनना चाहिए। क्यों, क्या काम करा ऐसा मोदी? मोदी ने गलत भी कुछ नहीं करा। तो सही क्या करा है? बहुत सही करा, राम मंदिर बनवा दिया। अच्छा। 370 हटा दी। हाँ। और बहुत इतना मार लिए। हाँ। जनता खुश है उनके काम से? हाँ खुश है। अच्छा सांसद ने पिछले 5 साल में क्या काम करा जिससे आप खुश हैं? हमारे घर के रोड बनवा दिए। हाँ। सारा काम नाली नुली सब सही है। प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बन सकते हैं आपके पास? हैं? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं? पता नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो चुनाव वालों के हाथ में है, किसको कौन कितना वोट देगा। राहुल गांधी अभी कुछ नहीं पता। नहीं पता? नहीं। मायावती का तो बिल्कुल ही नहीं पता। आप किसकी तरफ हैं? हम तो मोदी की तरफ है। हाँ जी, कोलू चलाते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी। क्या मोदी ने ऐसा क्या काम कर दिया? मोदी जीतेगा जी। राहुल गांधी जीत पाएंगे? राहुल गांधी का नहीं पता, मुझे तो मोदी का पता है, याद ही लोगों को मोदी है। अच्छा, और कोई याद नहीं? और कुछ याद ही नहीं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल दी, अब प्रियंका गांधी यूपी में मोर्चा संभाले हुए हैं। हमें तो इतना पता है कि मोदी को ही देनी है। क्या काम करा ऐसा मोदी ने पिछले 5 सालों में? यहाँ के सांसद ने क्या काम करा आपके लिए? यहाँ का नहीं, हमें तो ये पता है कि देश के लिए उनने सब कुछ कर दिया पूरे। अच्छा। जो कभी नहीं हुआ वो कर दिया उनने। अच्छा। देश में हर किसी का ऐसे तो हुआ नहीं कभी, और ना कोई इतने टाइम तक पार्टी टिकी। अब ये टिक गई तो यही रहेगी, और कोई पार्टी ही नहीं आने की। अच्छा। कोई नहीं आएगी अब, कोई नहीं आने की, चाहे कोई कुछ भी करता रहे, घूम फिर के हस्ता पस्ता के मोदी को ही देनी है वोट। अच्छा। चार तरफ चक्कर खाएगा, देनी मोदी को है। हाँ, किसी की भी करता रहे मगर देगा मोदी को ही। मोदी को देंगे। आप क्या करते हैं? कोल्लू काम कर देंगे। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है आपकी बार? आपकी बार मोदी की सरकार आओगी जी? मोदी की सरकार। हाँ, मेरठ तो मोदी ही है। मेरठ मोदी है। हाँ। सांसद का काम कैसा लग रहा है? सांसद का काम सही है, बस सड़क नहीं बनी शहर वाली। हाँ। उम्मीद है आपकी बार बनेगी? हाँ बन जाएगी। 5 साल में कैसा काम रहा है सांसद का? बढ़िया रहा है वैसे तो। प्रधानमंत्री पद पे राहुल गांधी को देखते हैं? नहीं। क्यों, काम नहीं कर रहा? अच्छा, वो सही नहीं है, वो बोलने की समझ नहीं। अच्छा। अखिलेश यादव? वो भी थोड़ा सही है वैसे। सही है। हाँ। तो ये वाली जो सीट है मेरठ की जीतेगी? ये तो जीतेगी, बीजेपी की। बीजेपी जीतेगी, सपा जीतेगी? बीजेपी। पता है ना बीजेपी की तरफ से कौन होंगी? मुझे ये पता नहीं, कोई भी यहां तो कोई भी खड़ा हो जाए जीतेगी बीजेपी। रामायण देखी आपने? रामायण देखी है। गोविल जी हां, जो बने हुए हैं जी, राम बने थे। हां, क्या लग रहा है जीतेंगे? जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। मतलब बीजेपी बोल रही 400 पार कर पाएगी? ये तो पता नहीं, हम तो मेट की जा सकते हैं जी। अच्छा। हम दूसरी जगह नहीं जा सकते, मेट से तो बीजेपी है। क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार, कौन जीतेगा सरकार?
मोदी जीतेगा। मोदी ने क्या काम कर दिया ऐसा? सबका काम मोदी कर रहा बढ़िया। जैसे एक सारे सड़कें बना रहा, सबको अनाज मिल रहा है, सबको मिल रहा है, और क्या इससे बढ़िया कौन सा होगा? कोई देश में कोई गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, इससे बढ़िया कौन सा मिलेगा नेता? राहुल गांधी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? मोदी मोदी देंगे वोट आप? बिल्कुल मोदी देते हैं हम तो वोट। सांसद के कैसे काम रहा है अभी 5 सालों? बढ़िया काम करा। क्या काम करवा रहे हैं? बढ़िया काम चल रहा। अच्छा। हाँ जी, हमारे गांव बड़ा काशी का जो है बढ़िया काम चल रहा है, बस क्लास, कोई दिक्कत नहीं। पर किसकी सरकार चाहती हैं? मोदी। क्यों, मोदी ने क्या काम करा ऐसा? बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो तो। अच्छा। और क्या क्या कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया करा उन्होंने। राशन देखो कितने लॉकडाउन से अब तक फ्री दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। सड़कें बढ़िया बन गई है, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया, गरीबों के लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। मोदी सरकार जी आनी है, मोदी जी आने चाहिए इस बार तो। बढ़िया। राहुल गांधी हैं टक्कर में उनके? कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहे हमें तो। अखिलेश यादव नहीं? मायावती नहीं? चलिए ठीक है, आपको क्या लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी बनेगा? क्या काम कर दिया ऐसा मोदी ने? मोदी ने बहुत काम कर दिया, गरीबों के लिए बहुत काम, अच्छा काम करा। और अब भी काम चल ही रहा है, काफी रुके रहा काम उनका। 5 साल में सांसद जी ने क्या काम करा? सांसद जी ने भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ सड़कें बनवाई हैं, हाईवे बहुत अच्छे अच्छे बनवाए हैं, उन्होंने भी बहुत काम करा। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी हमारी बॉम्बे बाजार की सड़क यहाँ पर ख़राब हो रही है, उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर कोई गिर जाता है। अभी हमारे आनंद वाले भाई साहब हैं, उनको वो गिर गए तो उनके हाथों में चोट लग गई, काफ़ी काफ़ी नुकसान हुआ उनका। मोदी सरकार चाहते हैं मतलब आपकी बात? मोदी सरकार 400 पार, मोदी सरकार। अच्छा। ओके ठीक है अंकल जी, बाहर आइए। ओके। थोड़ा यहाँ आ जाइए। क्या लग रहा है अब की बार? अब की भी मोदी आएगा जी। बाबा कहाँ है? मोदी की है जी, है मोदी की है। क्या काम कर रहा है ऐसा मोदी, ये बताइए। मोदी ने तो बहुत विकास करा है, जब से पिछली सरकार से और इस सरकार में देखिए कितना विकास हुआ है। सड़कें देखिए, हाईवे देखिए, गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है, और गरीबों के लिए भी बहुत कुछ करा उन्होंने। बैंकों में है ना तो पैसे डाल देते हैं वो लड़कियों के लिए, है ना, फ्री सिलेंडर दिया उन्होंने। तो उनकी सरकार में, इस सरकार के अलावा किसी और में इतना फायदा नहीं था, तो इसलिए ये मोदी सरकार ही चाहती है जनता। अरुण गोविल जी यहाँ से उम्मीदवार है बीजेपी के, क्या लग रहा है जीतेंगे? सपा को टक्कर दे पाएंगे? जीत जाएंगे वो, जनता साथ में है, जनता यहाँ की साथ है उनकी। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री पद पे किसको देखते हैं आप? राहुल गांधी को देखते हैं? नहीं। क्यों भाई, उनके उसमें हुआ ही नहीं इतना विकास, मोदी की सरकार में ही हुआ है ये जो भी कुछ विकास हुआ है। और गरीब अब उभर के आया है, और पहले सरकार में गरीबों को कोई ऐसा नहीं मानता मिलती थी जितनी अब मिली है, तो इसलिए मोदी अब की बार मोदी सरकार। हाँ जैसे, हाँ पिछली बार मोदी सरकार थी, अब की बार भी मोदी सरकार। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये भी बहन बेटियाँ के बारे में लगातार बीजेपी सरकार बात करती है, क्या लग रहा है आपकी बार? अब मोदी सरकार आएगी अब की बार? क्या काम करा है ऐसा आपके लिए? क्या काम? बहुत लड़कियों के लिए बहुत फायदा किया है, फ्री मशीन, सिलाई मशीन दी है। अच्छा। हाँ, उज्जवला कनेक्शन दिया है, और बहुत है सेफ्टी है। सेफ्टी, सुरक्षित है बहन बेटियाँ? यस बिल्कुल, अब कभी भी हम जा सकते, कोई डर नहीं लगता। कोई डर नहीं था पहले? लगता था क्या डर? यस, पहले की सरकार में लगता था। अच्छा। हर विरोध होते ही रहते थे, आपको पता है, अब तो कोई विरोध ही नहीं हो रहा। अच्छा। क्या लग रहा है आपको? देखिए हम लोग मेरठ में मौजूद हैं, जहाँ पर हम लोग ऐसे ही चाय की टपरी पर रुके चाय पीने के लिए, और हमने आम जनता से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की कि अब की बार किसकी सरकार, मतलब इनका जो दिल है, उनका जो मन है, वो अब की बार किसकी तरफ है, क्या चाहते हैं कि अब की बार किन मुद्दों पर ये वोटिंग करेंगे, और किसको, किसकी सरकार ये बनवाना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी ने मेरठ से
अपना उम्मीदवार अरुण गोविल जी को बनाया है। सपा लगातार अपने जो उम्मीदवारों के नाम हैं वो बदले जा रही है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए आप श्रेष्ठ भारत ज़रूर देखते रहिए। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत मेरठ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।